नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में एक बार फिर नौकरियों की बहार आने वाली है। दरअसल बिहार में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार के द्वारा लगातार जरूरी और सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने कई नामी कंपनियों के बिहार में स्थापना हेतु भूमि का आवंटन किया है। बिहार में 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां 886 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ने ITC, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और भगवती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को बिहार में अपना इकाई स्थापित करने और इनके विस्तार के लिए भूमि आवंटित कर दी है। इसमें ITC और भगवती फूड्स खाद्य प्रसंस्करण स्थापित करेगी, जबकि ब्रिटानिया बिस्कुट बनाएगी। इन तीनों कंपनियों में करीब 1300 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए बैठक की थी। इसमें उद्योग धंधों पर फोकस रखते हुए उच्च प्राथमिकता में रखा गया है, खास करके नए निवेशकों को लाने पर जोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। सरकार ने ITC, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और भगवती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को बिहार में यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन कर दिया। ये सभी कंपनियां यहां 886 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। वहीं इन कंपनियों के बिहार में स्थापित होने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राज्य सरकार ने बीते दिनों औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में कई बदलाव किए थे। बियाडा ने भी बीते दिनों जमीन की दरों में कटौती किया था। हालांकि इसकी अधिसूचना जारी न हो पाने की वजह से कई महीनों से उद्योग के जमीन संबंधी प्रस्तावों पर फैसला नहीं हो पा रहा था। आत्मनिर्भर बिहार बनाने के संकल्प के संदर्भ में नए उद्योग लगाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भूमि का भी आवंटन हुआ है। मंगलवार को हुई बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में तीनों कंपनियों को जमीन देने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन ने बहुमत हासिल की और एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी। NDA गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। जदयू को महज 43 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार को ही NDA गठबंधन का नेता चुना गया और उनके नेतृत्व में ही सरकार बनी। उसके बाद नई सरकार के द्वारा लगातार रोजगार की दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कई सरकारी विभागों में भी खाली पड़े पदों की समीक्षा कर उन्हें भरने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के कई विभागों में बहाली प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग के तरफ से शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी कई पदों पर बहाली होने वाली है। कुल मिलाकर बिहार में रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है और हर जरूरी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बिहार में इकाई स्थापित करने के लिए सरकार ने भूमि आवंटित कर दी है। इस तरह बिहार में इन कंपनियों के स्थापित हो जाने से यहां कई बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि अभी इन कंपनियों के लिए सिर्फ जमीन ही आवंटित हुई है, इकाई स्थापित होने में अभी वक्त लगेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।